प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बहुत सी मूवीज़ का रुक चुका है, लेकिन जो कास्टिंग का प्रोसेस है वो मेरे ख्याल से शायद अभी भी चल रहा है, क्योंकि एक कास्टिंग के हवाले से मेरे पास न्यूज़ आई है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वो ये जो न्यूज़ है ये डीसी से रिलेटेड है, और जिस मूवी की बात कर रहा हूं मैं वो है ब्लैक एडम। तो एक आध दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि ब्लैक एडम की कास्टिंग चल रही है और वो एक फीमेल ढूंढ रहे हैं जो कि मुस्लिम हो और मिडल ईस्टर्न हो, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की लुक्स वो ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर बाद में ये खबर आई कि वो स्पेसिफिकली फीमेल एक्ट्रेस नहीं ढूंढ रहे, वो कोई भी मिडल ईस्टर्न चलेगी। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि किस एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं, सवाल ये है कि वो किस करेक्टर के लिए ढूंढ रहे हैं। मेरी नज़र में 3-4 करेक्टर हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि खबर सुनाना तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को अपना इनसाइट देना या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाना। तो बेसिकली जो 3-4 करेक्टर हैं उनमें आ जाती है तालियल गुल, या आ जाती है हॉक गर्ल, और फिर आ जाती है आइसिस। अब ये वो आइसिस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वो आइसिस नहीं है, ये बहुत एक पुरानी करेक्टर है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले बाकी दो करेक्टर्स का मैं जिक्र कर लूँ कि वो किस तरह इसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। सबसे पहले हॉक गर्ल की बात करते हैं। हॉक गर्ल का जिक्र जो पहले आया था 2019 के दिसंबर या जनवरी में आया था, 2020 के जनवरी में सॉरी, कि जो हॉक गर्ल है उसको ब्लैक एडम में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मल्टीवर्स जो है वो उसको एक्सपेंड किया जा सके, क्योंकि इस तरह हमारे पास और प्लैनेट आ जाएंगे सामने, यानी कि एक्सप्लोर हो जाएंगे प्लैनेट्स भी। और इस तरह उनकी कोशिश होगी कि वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका है ना, उसको किस तरह एस्टेब्लिश किया जाए ताकि एक सीरीज चलाई जाए, क्योंकि जस्टिस लीग का तो सबको पता है, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका वो जो है बनाएंगे ताकि एक नई किस्म की चीज़ लोगों को देखने को मिले जो बड़े स्क्रीन पर ज़्यादा लोगों को नहीं देखने को मिली। इसके बाद दूसरा जो करेक्टर है वो है तालियल गुल का। अब तालियल गुल को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर रिसेंटली वो करते हैं ओरिजिन स्टोरी, बिल्कुल बेसिक ओरिजिन स्टोरी पे ना जाने के बजाय वो रिसेंट इवेंट और शज़ैम के साथ कनेक्टेड करने की कोशिश करें, तो बैटमैन भी मूवी आ रही है तो किसी तरह उन्होंने बैटमैन को भी एक्सपेंड करना है, तो अगर वो ये करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तालियल गुल हो सकती है जो इस मूवी में हो। अब आप शायद सोचें कि यार तालियल गुल का क्या ताल्लुक है ब्लैक एडम के साथ, तो अगर किसी ने इनजस्टिस पढ़ी हो तो इनजस्टिस 2 में जब रसल गुल आता है और फिर तालिया आती है ब्लैक एडम के साथ मिलकर, तो वो किसी ना किसी तरह कनेक्ट कर लेते हैं लोग, जो करने वाले होते हैं ना वो कर लेते हैं। अब एक करेक्टर आ गया जिसका मैंने जिक्र किया और मोस्टली को लोगों को वो शायद पता भी ना हो कि वो करेक्टर किस तरह का है, या अगर किसी ने वो जो डीसी यूनिवर्स ऑनलाइन वाली गेम खेली हो या जो है स्मॉलविल देखा हो उसमें भी थी, इसके अलावा जो है लेजेंड्स ऑफ टुमारो उसमें भी उसका कनेक्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आइसिस बेसिकली 1970s का करेक्टर है और ये ब्लैक एडम का लव इंटरेस्ट है, और कुछ जगहों पर ये भी है कि आइसिस का बहुत बड़ा हाथ है ब्लैक एडम को जो होता है ना जालिम बनाने में, क्योंकि जो है एक दफ़ा ये मर गई थी डीसी यूनिवर्स ऑनलाइन में, मेरे ख्याल से है कि वो मर गई थी जब, तो ब्लैक एडम को गुस्सा आ गया था कि यार ये गॉड्स ने मेरे से छीन लिया इसे, और वो सब के साथ पंगा उसने कर लिया। वैसे ये दोनों मिलकर जो है बचाया करते थे, जो है जो होते ना स्लेव्स बन जाते हैं बच्चे या लोग, उनको बचाया करते थे। और ये जो आइसिस का करेक्टर है ना, ये ऐसे समझ लें कि वंडर वुमन टाइप ही है, और अगर आपने डीसी लेजेंड्स ऑफ टुमारो देखे हो तो उसमें है ना ज़ारी टोमास, तो आप ऐसे समझें कि वो आइसिस ही है, लेकिन ये मेरे ख्याल से उसका छोटा वर्जन है, क्योंकि उसके पास फ्लाइट वगैरह की पावर्स भी है लेकिन इसके पास ये नहीं है, तो और भी ज़्यादा एबिलिटी हैं, सुपर स्ट्रेंथ जिस तरह है, जो वंडर वुमन के पास पावर्स है ना उस तरह की पावर्स इसके पास भी हैं, साइकिक पावर भी है, ये को जानवरों को कंट्रोल भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल से इस करेक्टर के बहुत ज़्यादा चांस हैं उस मूवी में आने के, तो वो जो एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं वो मेरे ख्याल से इसी करेक्टर के लिए ढूंढ रहे हैं। अब इसका जो नाम है ना वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आपको पता है जो आइसिस नाम है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसके लिए बहुत बड़ा हंगामा होगा, यानी कि अननेसेसरी जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो अगर वो शायद इसको इसमें डालें तो वो इस नाम को चेंज करके कुछ और रखें। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि उसका कॉमिक में नाम तो आइसिस चल रहा है क्योंकि उसको उसने चेंज नहीं किया, और इसका एक टीवी शो भी चला करता था द सीक्रेट ऑफ आइसिस वगैरह, लेकिन जब आती है ना बात मूवीज़ वगैरह की तो लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर वो इस मूवी में इस करेक्टर को डालेंगे ना तो वो ये स्टेप लाजमी लेंगे नाम चेंज करने वाला। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कास्टिंग की तो बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो मिडिल ईस्ट की, अरब की, जो यहाँ पर काम कर रही हैं हॉलीवुड में, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर तो कोई काम नहीं कर रहा कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी हॉलीवुड में काम कर रही हैं, तो उनमें से अगर आपको लगता है कि कौन सी एक्ट्रेस को चूज़ करना चाहिए उन्हें इस रोल के लिए, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताएं। बस जिसको भी चूज़ करें
प्रियंका चोपड़ा के अलावा जिस मर्जी को चूज करें मैं खुशी से मान लूंगा, प्रियंका चोपड़ा के अलावा जो मर्जी कर लो यार, प्रियंका चोपड़ा को ना डालो, तुम्हारी मेहरबानी, खुदा का वास्ता है। बाकी अगर आपके जेन में कोई ऐसा करेक्टर है जो इन तीन के अलावा इस मूवी में शायद हो और बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर हो जिसे मैं भूल गया हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं इस बात को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।